हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के जो पनिशमेंट है कितने टाइप की होती है। तो पनिशमेंट जो है पांच टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉर्पोरियल पनिशमेंट, इसमें हम टाइप पढ़ेंगे इसके अंदर कितने किस किस टाइप की होती है। एक है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी है इसके बाद थर्ड है आपकी कैपिटल पनिशमेंट, फोर्थ है इम्प्रिजनमेंट और फिफ्थ है आपकी जो की है मॉनेटरी पनिशमेंट। तो ये पांच टाइप की पनिशमेंट है, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल टॉर्चर था ये, जो पहले यूज की जाती थी मोस्टली, और ये फिजिकल एक तरह से टॉर्चर होता था और ये इतना टॉर्चर तक होता था किसी किसी केस में कि पर्सन की जो है डेथ तक हो जाती थी। जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो आपका कन्फाइनमेंट से और ट्रांसपोर्टेशन से डिफरेंट है। कन्फाइनमेंट मतलब कि कैद करना, कन्फाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन से दोनों से अलग है जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है। और एक तरह से इसमें जो है फिजिकल इंजरी करी जाती थी, फिजिकल टॉर्चर किया जाता था पर्सन को जो भी अपराधी होता था, ऑफेंडर होता था। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप की आपकी पनिशमेंट है वो है फ्लॉगिंग। तो फ्लॉगिंग क्या होता था, ये एक बहुत ही पॉपुलर आपकी पनिशमेंट थी जो मोस्टली देखा जाए तो सभी कंट्रीज के द्वारा जो है आपका यूज की जाती थी ये पनिशमेंट। और ये बहुत ही क्रूअल और बहुत ही क्रूर आपकी टाइप की पनिशमेंट थी। इसमें क्या होता था, इसमें जो भी ऑफेंडर होता था उसको आपने देखा होगा कोड़े लगाते थे, कोड़ों से पीटा जाता था, उसको मारा जाता था। तो रोप टाइप का आपने देखा होगा, रस्सी टाइप का एक होता था लंबा सा, और उसको जो है मतलब कि मारा जाता था, तो कोड़े मारे जाते इसमें थे। ये जो पनिशमेंट थी ये आपका मोस्टली जो दी जाती थी ये असोल्ट के लिए दी जाती थी, मतलब कि किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, अपनी वाइफ को पीटने के ऊपर, या फिर आपका क्या कहते हैं किसी का दीवार तोड़ के किसी के घर में एंटर हो गए, तो इस टाइप की जो क्राइम थे उन क्राइमों के लिए ये पनिशमेंट दी जाती थी। कॉर्पोरल पनिशमेंट की जो सेकेंड टाइप की जो आपकी पनिशमेंट है वो है मुटिलेशन। ये भी एक तरह से बहुत ही ज्यादा कठोर, बहुत ही ज्यादा क्रियल आपकी पनिशमेंट थी। इसमें क्या होता था कि बॉडी का कोई भी पार्ट अलग कर दिया जाता था, मतलब कि काट दिया जाता था वो पार्ट। जैसे कि आप सऊदी अरब में देखेंगे तो सऊदी अरब में अब भी है, जैसे कोई चोरी करता है या कुछ ऐसे काम करता है तो उसको वार्निंग दी जाती है और मतलब कि उसको जो है उसके हाथ जो है काट दिए जाते हैं इस वजह से। या फिर मुटिलेशन में आप कह सकते हो कि जो इंजर्ड पर्सन है, जो उसको जो भी इंजरी हुई है, तो वो सेम इंजरी जो जिस पर्सन ने करी है इंजरी, जो ऑफेंडर है उसको भी वही इंजरी दी जाती थी। तो अगर किसी ने किसी का हाथ काटा है तो उसको हाथ काट दिया जाता था, मतलब टिट फॉर टैट वाली आपकी इसमें जो है वो था, यूज होती थी थ्योरी। थर्ड टाइप की जो पनिशमेंट है वो है ब्रांडिंग। तो इसमें क्या होता था, ये ज्यादातर जो है रोम में यूज की जाती थी मोस्टली। इसमें क्या होता था कि जो क्रिमिनल होता था, जो ऑफेंडर होता था, उसके फोरहेड पे मतलब की माथे पे जो है लिख दिया जाता था या कुछ ना कुछ निशान बना दिया जाता था। वो जो मार्क होता था फोरहेड पे वो परमानेंट होता था आपका, तो उससे पता चल जाता था कि ये पर्सन जो है ऑफेंडर था, ये किसमें क्राइम किया था, तो ये पता चल जाता था। तो उस पर जो है ये ब्रांडिंग इस टाइप की जो पनिशमेंट दी जाती थी। फोर्थ टाइप की है आपकी स्टॉक्स एंड प्लोरीज। तो इसमें क्या होता था, इसमें किसी पर्सन को बिठाकर, स्टॉक्स में तो ये होता था कि उसको पर्सन को बिठाकर उसके पैर जो है एक वुडन लॉक में, मतलब की लकड़ी का एक लॉक बना था, फ्रेम बना होता था, उसमें लॉक कर दिए जाते थे। और प्लोरीज में क्या होता था, उसमें उस पर्सन को खड़ा करके, मतलब खड़ा करके ऐसे ही एक लॉक बनाया जाता था जिसमें कि उसका सर और हाथ जो है वो लॉक कर दिए जाते थे और नीचे से उसके पैर लॉक कर दिए जाते, तो वो कहीं पे भी मूव नहीं कर पाता था, दोनों ही केस में, स्टॉक्स में भी और फ्लोरिस में। और फिर जो जो पर्सन होते थे, जो लोग बाग होते थे, और वो उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे। और भी बहुत टाइप की जो है कॉर्पोरियल, जो कॉर्पोरियल आपकी जो पनिशमेंट थी, मतलब कि जो फिजिकल इंजरी पहुंचाए पर्सन को, इस टाइप की जो इंजरी थी होती थी, मतलब पनिशमेंट दी जाती थी पहले टाइम पर, जैसे कि आपका उसके हाथ या पैरों में आपका जंजीर डाल दी, बीड़िया डाल दी, लोहे की वो चीज डाल दी, या फिर फेस के ऊपर भी जो है मतलब लोहे के मास्क में उसमें बंद कर दिया आयरन के, उसमें डकिंग स्टूल आपकी जो पनिशमेंट थी। तो इसमें क्या होता था कि वोमेन को या जो भी आपका क्रिमिनल होता है ऑफेंडर को, उसको चेयर में बैठा के उसको बांध दिया जाता था और इसके किसी पाउंड में या रिवर में उसको जो है डिप किया जाता था। तो इस टाइप की मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है पनिशमेंट मिलती थी। उसके बारे में हम बात करते हैं दूसरी टाइप की पनिशमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरी टाइप की जो पनिशमेंट थी वो थी ट्रांसपोर्टेशन। इस टाइप की पनिशमेंट में क्या होता था, इस टाइप की पनिशमेंट में आपका जो पर्सन होता था उसको एक तरह से बैनिशमेंट कर दिया जाता था, मतलब कि उसको जो है देश से निकाल दिया जाता था एक तरह से। ये जो पनिशमेंट होती थी ये भी मौत के बराबर ही जो है लगभग, आप बता कहा जाए अगर कैपिटल पनिशमेंट का या डेथ के बराबर का है, तो डेथ के बराबर ही ये पनिशमेंट होती थी। जैसे कि फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में होता था जो क्रिमिनल होता था उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था, या ट्रांसपोर्ट मतलब कि कहां पर, दूसरे किसी आइसलैंड में, ऐसे आइसलैंड में ले जाते थे द्वीप पर, मतलब कि वहां जाकर उस आइसलैंड में खाने वाने का, खाने पीने का कुछ सामान नहीं होता था, वहां पर छोड़ देते
छोड़ देते थे, या फिर उससे इतना काम कराते थे, इतना काम कराते थे निर्दया, मतलब कि बुरी तरह। इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से हर साल आपका फ्रांस में जो है मतलब बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे क्रिमिनल थे, उनकी डेथ हो जाती थी, वो मर जाते थे। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी आपका मतलब कि पहले ब्लेयर और अंडमान आइसलैंड था, तो वहां पर जो है उनको ले जाते थे और वहां पर उनको कैद करके रखा जाता क्रिमिनल को। और अंडमान आइसलैंड जो था मतलब कि जो स्नेक्स के लिए जो है मतलब डेंजरस स्नेक्स के लिए जो है जाना जाता था ये जो आइसलैंड था। बाद में क्या हुआ, इस जो पनिशमेंट दी जाती थी इसमें वो उनको सबको जो है बंद कर दिया गया, उसको इलीगल बता दिया गया, और सबको बंद करके जो उनको कन्वर्ट कर दिया कि इसमें लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट में आपका जो है वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और जो आपको मैंने पहली बताई थी सारी जो पनिशमेंट थी कॉर्पोरल जो पनिशमेंट थी, तो फ्लोगिंग मुटिलेशन जो बताई थी आपको, और ब्रांडिंग बताई थी, तो जितनी भी पनिशमेंट बताई थी कॉर्पोरल की उसकी, तो वो सारी जो पनिशमेंट है वो भी आज के टाइम पे अगर प्रेजेंट टाइम पे देखे तो वो सारी आज के टाइम पर बंद हो चुकी है। इंडिया के अंदर आज के टाइम पर कोई सी भी वो पनिशमेंट जो है वो यूज नहीं आती, वो उस टाइप की जो पनिशमेंट नहीं दी जाती किसी भी ऑफेंडर को। थर्ड टाइप की पनिशमेंट की बात करते हैं, तो थर्ड टाइप की जो पनिशमेंट है वो है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है कि डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट एक ही है, ठीक है। तो पहले अगर देखा जाए पोस्ट इंडिपेंडेंट प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, प्री इंडिपेंडेंस से पहले ये जो कैपिटल पनिशमेंट थी, जो डेथ पनिशमेंट थी, ये आम थी, मतलब कि मोस्टली जो है ये ही यूज की जाती थी किसी भी क्राइम के लिए, कोई भी मर्डर या कुछ ऐसे टाइप का होता था, या कोई भी क्राइम किया जा गया हीनियस क्राइम, तो उसके लिए जो यही पनिशमेंट यूज की जाती थी ब्रिटिश राज में। मैं आपको कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट के लिए और लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए मैं जो मतलब अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इंडिया के अगर अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो डेथ आपकी जो पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है, ये आज भी जो है यूज की जाती है, पर रेयरेस्ट टू रेयर केस, मतलब कि बहुत कमी के साथ ये यूज की जाती है, मतलब ये सरकमस्टेंस देखते हुए कि किस टाइप का क्राइम किया गया है उस केसों में आपका जो है जो डेथ पनिशमेंट दी जाती है। इसमें भी आपका डिस्केशनरी पावर है किसके पास, जो सेशनल जज है उसके पास, तो वो इसके बदले में क्या है लाइफ इंप्रिजमेंट की जो पनिशमेंट है वो दे सकता है, तो वो डिपेंड करता है जज के ऊपर। या अगर उसको लगता है कि जो क्राइम है इस प्रवृत्ति का है या इतना ज्यादा हीनियस है, तो उस केस में वो जो है डेथ पनिशमेंट दे सकता है। जैसे कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि आईपीसी में कुछ सेक्शन दिए हुए हैं जिसमें डेथ पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि अगर स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी आप मतलब कि वो करते हो, क्राइम करते हो, तो उस केस में डेथ पनिशमेंट मिल सकती है, जो कि सेक्शन 121 में है आपका आईपीसी में। किसी का मर्डर करते हो, जो कि सेक्शन 302 में है आपका, 302 में। सेक्शन 305 है आपका आईपीसी का, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ एन इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, मतलब कि कोई अगर पागल पर्सन है, मतलब कि अनसाउंड माइंड पर्सन है, दिमाग से कमी है, या फिर किसी ने शराब या कुछ ऐसा नशा कर रहा हुआ है और उस पर्सन को आप जो है उकसाते हो किस चीज के लिए, सुसाइड करने के लिए, तो उस केस में आपको मिल सकती है। या फिर कोई डकैती डालता है कोई पर्सन विद मर्डर, मतलब मर्डर भी करता है साथ में और वो भी करता है, तो उस केस में जो सेक्शन आपका 369 है, इस केस में आपको जो है डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। या कोई पर्सन जिसको ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजमेंट की जो है सजा मिल चुकी है, मतलब कि वो अभी सजा लाइफ इंप्रिजमेंट की मिल चुकी है और उसके अंदर है, और वो किसी को मारने की कोशिश करे, मर्डर करने की कोशिश करे, अटेम्प्ट करे, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो उस सेक्शन आपका है 307, तो इस केस में भी आपका लाइफ इंप्रिजमेंट की वो सॉरी जो कैपिटल पनिशमेंट की जो है वो सच पनिशमेंट मिल सकती है। और भी है तो आप जो है एक बार देख लीजिए, तो ये आपके मेन मेन है जो है मैंने आपको बता दिए। अगर आईपीसी का आप सेक्शन 303 देखेंगे तो इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में यह है कि अगर किसी पर्सन को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा ऑलरेडी मिल चुकी है, मतलब किसी ऑफेंडर को ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा मिली हुई है और उस दौरान वो किसी कोई मर्डर कर देता है, 307 थी अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब कि उसने कोशिश करी हुआ नहीं है, बच गया है वो पर्सन, और 303 में है कि अटेम्प्ट उसने जो है मर्डर कर दिया है, तो उस केस में उस पर्सन की जो सजा है वो सिर्फ सिर्फ आपका डेथ है, कैपिटल पनिशमेंट है, उसके अलावा लाइफ इंप्रिजमेंट की नहीं है। तो इसलिए अगर देखा जाए आप अगर आईपीसी की आप करंट में प्रेजेंट टाइम में अगर आप बेयर एक्ट उठा के देखें या कुछ भी देखें, तो उसमें आपको सेक्शन जो है 303 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज जो है ये सेक्शन जो है कोर्ट के द्वारा स्टक ऑफ कर दिया गया है, कि ये सेक्शन माना जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट है, जो आपका सेक्शन 21 है जिसमें राइट टू लाइफ है जो आपके फंडामेंटल राइट है, तो उसके अगेंस्ट है, और आर्टिकल 14, तो इन दोनों आर्टिकल के जो है अगेंस्ट है, तो इस वजह से इस सेक्शन को जो है स्टक ऑफ कर दिया है, तो आपको मिलेगा नहीं आप अगर देखेंगे आईपीसी के अंदर करंट की। अब आईपीसी देखेंगे, पुरानी आईपीसी में तो शायद आपको ये मिल ही जाएगा उसमें। तो
और फोर्थ टाइप की जो पनिशमेंट है वो है, उसकी बात करते हैं, तो वो है आपका इम्प्रिजमेंट। तो इम्प्रिजमेंट में इसमें भी चार टाइप है आपका, सिंपल इम्प्रिजमेंट है, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट है, सोलिटरी इम्प्रिजमेंट है, कन्फाइनमेंट, और फोर्थ इसमें है आपका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंपल इम्प्रिजमेंट की। तो सिंपल इम्प्रिजमेंट, जैसे इसके नाम से पता चला कि अगर कोई किसी ने कोई भी सिंपल टाइप का क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, या माइनर ऑफेंस किया है, तो उस ऑफेंस के लिए, उस क्राइम के लिए जो है ये पनिशमेंट आपको दी जाती है। और इसमें प्रिजनर जो है अपनी एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मली लाइफ जीता है, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता है, उसको मील मिलता है, वो किसी से भी जिससे चाहे प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर चाहे मिल सकता है दूसरे प्रिजनर से। सेकेंड टाइप की आपकी जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजमेंट है, वो है आपका रिगरस। तो ये आपका मतलब कि कहते कह सकते हो आप इसको कठोर कारावास। इस टाइप की जो इम्प्रिजमेंट है इसमें क्या होता है, ये डिफर है आपका, डिफरेंट होती है, जो सिंपल इम्प्रिजमेंट है उससे अलग होती है। इसमें क्या होता है, जो प्रिजनर होता है उसको जो है लेबर वर्क किया जाता है, कुछ काम कराया जाता है उससे, इसीलिए जो है इसे जो है कठिन आप कह सकते हो या कठोर कारावास कहा जाता है। थर्ड जो है आपकी वो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है, मतलब आपको मैं अगर नॉर्मल उसमें बताऊं, सिंपल वर्ड में बताऊं, तो काल कोठरी, एक तरह से काल कोठरी में बंद कर देना, आपने सुना होगा ये चीज। तो इसमें क्या होता है, इस पर्सन को, ये बहुत ही क्रूअल टाइप की आपकी पनिशमेंट होती है। इसमें जो पर्सन होता है उसको एक काल कोठरी, या आप कह सकते हो एक सेल में या उसके जेल में जो है बंद कर दिया जाता है उसको, और उसको किसी से भी मिलने का जो है परमिशन नहीं मिलती है। इवन जो आपके दूसरे प्रिजनर्स होते हैं उनसे भी मिलने की पनिशमेंट नहीं, मतलब परमिशन नहीं मिलती है उसको, मतलब कि उसका जो कनेक्शन है बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से या दूसरे किसी पर्सन से एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। उसको कुछ पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन है, मतलब कि उसको एकदम बिल्कुल अकेले में, एकांत में बंद कर दिया जाता है। पनिशमेंट देने का जो है यही कारण है कि ये माना जाता है कि जो पर्सन है अगर उसको अकेले में अलोन छोड़ा जाएगा तो वो जो है रिफॉर्म हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, चेंज हो जाएगा। पर एक्चुअली में होता क्या है, असली में जो ये इस टाइप की जो आपकी जो पनिशमेंट है इसमें ये होता है, मोस्टली जो पर्सन है एक तरह से वो साइको हो जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है एक तरह से, क्योंकि अकेला रहता है वो। अगर लंबे टाइम तक अकेला रहेगा कोई भी पर्सन तो वो आपका मेंटली डिप्रेस हो जाता है। तो कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि वो पर्सन की जो है डेथ हो जाती है वहीं पर। वैसे भी अगर देखा जाए तो सेल जो होती हैं आपकी, जो जहां पर पर्सन को बंद कराया जाता है, वो बहुत ही अनहाइजेनिक होती हैं, तो ये भी एक कारण है। फोर्थ है वो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मतलब कि होल लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए जो है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, पनिशमेंट आपको दी जाती है, मतलब कि वो आपका प्रिजन के अंदर ही रहेगा। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मैं कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर और लाइफ इम्प्रिजमेंट के ऊपर जो है अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी जो पनिशमेंट है उसकी तरफ। तो लास्ट और फिफ्थ जो पनिशमेंट है वो है आपकी मॉनेटरी पनिशमेंट, मतलब कि मनी से रिलेटेड, आपका पैसों से रिलेटेड। तो इसमें आपका जो है दो टाइप की पनिशमेंट आती है, एक तो फाइन आता है, एक आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी को जब्त करना। तो पहले बात करते हैं हम फाइन की। आपने देखा होगा फाइन में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी पनिशमेंट मिलती है, मतलब कि पर्सन को जो है सिर्फ सिर्फ खाली पनिशमेंट जो है पनिशमेंट के तौर पे जो है फाइन भी मिल सकता है, या फिर इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन भी मिल सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है ना। दोनों केस में ये भी हो सकता है कि जो फाइन का अमाउंट है वो लिखा भी हो सकता है कि अप टू इतने अमाउंट तक मिलेगा, या फिर सिर्फ फाइन लिखा है अब उसमें अमाउंट नहीं लिखा है। तो जिस केस में अमाउंट नहीं लिखा है उस केस में जो फाइन का जो अमाउंट माना जाएगा वो आपका माना जाएगा अनलिमिटेड अमाउंट माना जाएगा। मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड होगा कि वो उस पे ऑफेंडर पर कितना फाइन जो है इम्पोज करेगी। पर एक चीज ध्यान रखेगा जज जो उस टाइम पर, कि वो फाइन आप इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी से बाहर हो या कुछ ऐसा हो। तो फाइन आपका देते हुए ये ध्यान दिया जाएगा अगर जो है अमाउंट मेंशन नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जब ये फाइन लिया जाता था तो ये आपका जो स्टेट का राजकोष होता था या फिर जो गवर्नमेंट का राजकोष होता था, तो उसमें जो है ये फाइन जो है जोड़ दिया जाता था। पर आजकल जो देखा जाए ये फाइन जो जो इंजर्ड पार्टी है, जो विक्टिम है, उस पार्टी को जो दे दिया जाता है या उसके रिलेटिव को दे दिया जाता है। इस केस में आपका मतलब कि जो जो क्राइम है उस क्राइम के लिए, ऑफेंस के लिए इम्प्रिजमेंट भी दी हुई है और फाइन भी दिया हुआ है। तो अगर
जो आपका जज है वो उस पर्सन पर, ऑफेंडर पर सिर्फ फाइन इम्पोज करता है, आपका जो इम्प्रिजमेंट है वो उसकी सजा नहीं देता है, सिर्फ फाइन की देता है। तो अगर उस केस में वो पर्सन जो ऑफेंडर है वो फाइन जो पे नहीं करता है, तो उसके डिफॉल्ट के केस में वो उस पर्सन को जो है सेंटेंस मिलेगी, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, जो इम्प्रिजमेंट है वो मिलेगी फिर उस केस में, अगर वो फाइन नहीं चुका पाता है तो। इससे दूसरे केस ये भी हो सकता है कि जो जज है या जो ऑफेंडर है उसको इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन दोनों मिले, तो ये भी हो सकता है। तो उस केस में अगर जो पर्सन है जो उसको इम्प्रिजमेंट तो मिली मिली रही है, प्लस जो फाइन आपका दिया है, अगर वो फाइन पे नहीं करता, तो उस केस में जितनी उसकी इम्प्रिजमेंट है, जितने साल की उसको सजा मिली है, उसका 1/4 निकालेंगे, और जो जितने आपका मंथ आएगा या जितने ईयर आएगा उतनी इम्प्रिजमेंट उसकी और बढ़ा दी जाएगी, इन केस जब वो आपका फाइन पे नहीं करेगा। उस केस में एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी पर्सन को 3 साल की सजा मिली हुई है, ठीक है, उस पे फाइन भी आपका लगा है, अब फाइन वो पे नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो 3 साल का जो है 1/4 निकाला जाएगा, 3 साल का, 3 ईयर का 1/4 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 36 जो कितने हो गए, 36 मंथ हो गए, 36 × 1/3, तो इसका 1% अगर 3% सॉरी 4% निकालेंगे, 1/4, तो 4% निकलेगा, 9 मंथ आपका आएगा। अब उसको 3 साल 9 महीने की इम्प्रिजमेंट होगी, मतलब 3 9 महीने और बढ़ के, क्योंकि उसने फाइन नहीं चुकाया है। अब एक कंडीशन हो सकती है कि सिर्फ फाइन ही फाइन उसको पे करना पड़े, मतलब कि उसमें जो ऑफेंस है उसके लिए कोई दूसरी वो है ही नहीं, सजा दूसरी पनिशमेंट है ही नहीं, सिर्फ फाइन है, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो फाइन ना दे तो उस केस में डिफॉल्ट के केस में, तो उस केस में ये होगा कि अगर जो ₹50 फाइन है up to 550 rupees फाइन तक जो है उसको 2 महीने की सजा, 2 महीने की सजा मिलेगी, तो अगर ₹100 तक का फाइन है तो 4 महीने की सजा मिलेगी, और उससे ज्यादा है तो मतलब 6 महीने से ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और जो पनिशमेंट होगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, ठीक है, सिंपल इम्प्रिजमेंट उसको मिलेगी, और ये आपका आईपीसी के सेक्शन 67 में मेंशन है। उसके बाद है सेकंड टाइप का आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, तो ये दूसरे टाइप की आपकी जो है पनिशमेंट है, जो कि मॉनेटरी पनिशमेंट का पार्ट है। तो आईपीसी में काफी सारे सेक्शन दिए हुए हैं, 126 है, 127 है एंड 169 है, तो ये इनमें जो है आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब्त करने की जो पनिशमेंट दी जाती है। एक मैं आपको बता देता हूँ ये सेक्शन आपका 169 के बारे में, तो 169 में ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेता है, ऐसी प्रॉपर्टी परचेस कर लेता है अपने ऑफिस के टाइम पर, मतलब जो कि उसको इलीगल है, मतलब कि मना है, उसको प्रॉबिट है कि उसको नहीं खरीदनी है वो प्रॉपर्टी, और ऐसी वो खरीद लेता है प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी जो है फॉरफीचर की जा सकती है, जब्त की जाती है, जा सकती है। तो ये था आपका पनिशमेंट के बारे में कि कितनी टाइप की पनिशमेंट होती है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट जो टॉपिक बताया है सारी चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम